भूत बॉस की हनी की बॉटल क्यों तोड़ी तुमने? हो गई गलती बाबा, मदद करो। लो मजे फिसलने की। अब हनी बनाना पड़ रहा है, वो भी खुद से। भूत बॉस ने कहा है मधुमक्खी की मदद नहीं ले सकते, सब तुम्हारी वजह से। अरे बाबा हो गई ना गलती, अब मदद करो। इन फूलों के रस से हनी बनाते हैं। ठीक है, मेरे पास काम आसान करने का एक आइडिया है। अरे थकेला, ये होली की पिचकारी से क्या होगा? थकेला, फूलों से फूलन अपने इस टैंक में जाएंगे और अंदर लगे प्रोसेसर से हनी बन जाएंगे। यानी मधुमक्खी की मदद के बिना? हाँ, और बहुत कम टाइम में भी। वाह थकेला, आज तुम्हारी समझदारी देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए। थोड़े आंसू बचा कर रखो, क्योंकि सबसे ज्यादा हनी मैं जमा करूंगा और भूत बॉस के पास सबसे पहले पहुँचाऊंगा। आई विल बी फर्स्ट। पहले मैं पहुँचाऊंगा। थकेला, तूने मुझे धक्का मारा और तू अपन के एरिया में अपन को कौन धक्का मार रहा है? घुसपैठिया, निकल यहाँ से। मुझे धकेल कर थकेला ने खुद का टैंक भर लिया। चीटर थकेला, अभी बताता हूँ। पहले बॉटल तोड़ी, अब टैंक में छेद। अब तुम मेरे डंक से नहीं बचोगे, तुम गए अकेले। नहीं, फिर से नहीं। देखा बोलू राम, फिर किसी ने हमारे बागीचे के पौधे उखाड़ लिए हैं। ये तीसरी बार हुआ है। क्या बताऊं भगत राम, गांव में एक अफवाह है कि तेंदुआ आता है पौधे उखाड़ने के लिए फूल सूंघकर। सिर्फ अफवाह है, अफवाह, बिल्कुल झूठ। तेंदुए को पौधे उखाड़ते हुए देखा है किसी ने? खैर, जब तक इस बदमाश फूल तोड़ का पता नहीं चल जाता, नए पौधे लगाऊं या नहीं, दोनों तरफ से नुकसान ही नुकसान है। भगत भाई मत लगाओ और पौधे, अपना समझकर बता रहा था फूल सूंघकर। चलो बेटा घर चलो। भगत राम का बगीचा होगा वीरान और हमारी लगेगी फूलों की बड़ी बड़ी दुकान फूल सूंघ के। आज रात को फिर आऊंगा और बचे कुचे फूल भी तबाह कर दूंगा। दोस्त निकला दुश्मन, फूलों से दुश्मनी निकाल रहा है। भूत बॉस को बुलाते हैं। चश्मे से मुझे सारा मसला समझ में आ गया। इस फूलू राम को बताना होगा कि फूलों और पौधों को उजाड़ना पाप है। तुम लोग ऐसा करो, जल्दी से अनोखे फूलों के पौधे बन जाओ, ताकि हम फूला राम को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। ओके भूत बॉस। चलो करे पाप खत्म। अकेले तुम फूल नहीं, फूल लग रहे हो, यानी बेवकूफ, क्रेजी। तू तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने लाल फूल पर टूथपिक लगाकर कद्दू पर लगा दिए। कद्दू को कम से कम लोग खा तो सकते हैं। और फूल कम से कम लोगों को हंसा तो सकते हैं, खुशी दे सकते हैं। तू तो काटा है काटा। शुट,
अकेला पकेला बंद करो अपनी बकवास। ओके भूत बॉस, पर आप कौन सा पौधा बनेंगे भूत बॉस? यही तो सरप्राइज है। अरे वाह, कोई नहीं है। भगत राम का बगीचा होगा वीरान और हमारी लगेगी फूलों की बड़ी दुकान। फूल सुन के एक ऐसा अलग सा फूल है जिसकी आंखें अंगूर और चेहरा लंगूर जैसा है। इस स्माइलिंग फूल के साथ तो एक सेल्फी बनती है फूल सुनकर। इसने मेरे मुंह पर कैसा स्प्रे मार दिया, अभी इस फूल का भूत उतार देता हूँ फूल सुनकर। ये कौन सा धरती ढकेल पौधा है जो चमगादड़ की तरह उल्टा लटका रहा है? मेरे प्यारे पौधों, मुझे जाने दो। मम्मी कसम, मैं 100 बार सोचूंगा इस बाग में वापस आने को। छोड़ दो। सॉरी फुलू राम, लगी तो नहीं ना ज्यादा तुम्हें? पौधा सॉरी बोल रहा है? ये भूत है या मुझे हुई कोई बीमारी है? भगो। मम्मी, ये तेंदुआ तो सच में आ गया है, भाग फुल्लू राम फूल सुनकर। वो कहाँ भाग रहे हो, मैं तुम जैसा फूल ही तो ढूंढ रहा था। तेंदुए, ये क्या कर रहे हैं? बताओ आगे। इतना सुंदर फूल। नहीं, ये सुंदर फूल तो भूखा लग रहा है, दिन में सोने वाला फूल ये तो जग रहा है फूल सुनकर। फूल सुनकर बचाओ कोई मुझे, फूल सुनकर बचाओ, बचाओ। मैं हूँ थकेला और ये है पकेला, हम भूत हैं। भूत? नहीं नहीं नहीं, भागो। और मैं हूँ इनका बॉस, भूत बॉस। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुमने हमारा नहीं, भगत राम का बाग बिगाड़ा है। भगत राम का बाग? आपको कैसे पता? अरे अभी तो बताया। हम भूत हैं। बूजी, बूजी माफ कर दो, दोबारा कभी नहीं करूँगा। फूल को दूर दूर से ही सूंघूंगा, पास आने की गलती कभी नहीं करूँगा। तो जाओ भगत राम के बाग के लिए कुछ नए पौधे ले आओ। जी भूत बॉस जी। Ha 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 ha
मैंने गलती की, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, आखिर दोस्त हो तुम मेरे। काम हो गया। हनी का क्या हुआ? भूख लगी है, हनी और रोटी खाऊंगा। बस 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 बस, मैं आपको मस्त डिनर करवाता हूँ। भगत राम के बाग से 5 किलोमीटर दूर पेताल नाम का एक छोटा सा पहाड़ है। उस पहाड़ के बीच में से एक गुफा जाती है जिसमें से भूतिया ट्रेन पास होती है। वो ट्रेन हमें भूतिया खाऊ गली पहुँचाएगी। बड़ी मस्त जगह है, बस गर्म गर्म चाट, समोसे, भजिया और फिर फ्रूट क्रीम विद आज का स्पेशल हनी।